हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। वेलकम टू माय न्यू लोग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जद्दू ना बैठा है प्लेटफॉर्म पे, तो वो बड़ी जिद कर रहा था और सुबह खाना बनाने में भी लेट हो रहा था। तो ना ये सिर्फ जयदीप को ही सूट कर रहे थे कि देखिए ये कहाँ बैठा है, और वो ना दादी पास जा भी नहीं रहा था, लेकिन वो बोल रहा था काम नहीं कर बस मेरे को लेके बैठ। तो मैं बोली चल तू ही मेरे साथ बैठ। तो वो मेरा चिपकू गम है एकदम से, मेरा लकी चाम एनी टाइम मेरे साथ ही रहता है। तो अभी जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा सा घी डाला है और हल्का सा तेल भी डालूंगी कि घी मतलब जले नहीं उतना भूंजने भाजने में। तो देखिए आप, मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ आपके साथ। तो ये ना है, तो फ्रेंड्स ये उपमा बनाने की मैंने तैयारी कर ली है। तो उपमा मतलब हेल्दी खाना भी है और मेरे ख्याल से तो पेट भर ही जाता है अगर आप एक प्लेट उपमा खा लो। तो मैंने इसमें ना फ़ौरन डाल दिया, और ये ओरन बज रहा है ट्रेन का, तो कितना भी ट्राई कर लूँ तो मतलब हो ही नहीं पाता, और इस चक्कर में ब्लॉक लेट ही जाता है। तो अभी अंदर मैं ना बस कढ़ाई में मतलब तेल फ़ौरन मसाला ये सब देखा आपने, कड़ी पत्ता तो हाँ ज़रूर डालना चाहिए, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपको अगर पसंद हो तो। फिर प्याज और मिर्ची भूंज ली, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर ये सब मैंने डाल दिया। अगर आपको उपमा में मतलब वाइट उपमा पसंद है तो आप हल्दी स्किप कर सकते हैं, तो मैंने तो डाली है, जैसा मूड आता है वैसा बना देती हूँ। तो बस अभी डाल दिए और ये सब कुछ अच्छे से भूंज गया। तो मैंने इसमें ना टमाटर डाल दिया था, और यहाँ पे देखिए ये पानी बॉयल हो रहा है, तो उपमा में ना मैं बॉयल पानी डालती हूँ। जैसे मैं सूजी में मतलब एकदम से गर्म दूध डालती हूँ, वैसे भी मतलब उपमा में गर्म ही पानी डालूंगी, क्योंकि अगर ठंडा डाले और गर्म डाले दोनों का रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होगा। मतलब जो बनाते होंगे या नहीं बनाते होंगे ट्राई करके देखिएगा मन हो तो। तो यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी और पीछे इतनी धमाल चुगड़ी मच रही थी कि मतलब फिर मेरे को म्यूट करना पड़ा। तो मैं इसमें भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना जद्दू को मैंने प्लेटफॉर्म से मतलब उतार दिया है, मुझे डर लगता है वो बैठा रहता है तो, लेकिन क्या करूँ, सुबह सुबह उसकी ना बैटरी थोड़ी जल्दी रिचार्ज नहीं होती है, उसका मूड ऑफ होता है तो चलता है। और ठंडी हवा भी मतलब ऐसी आ रही है ना, आ रही है जा रही है, मौसम मतलब सही हो ही नहीं रहा। आज भी मैं सोच रही थी ना कि चलो अब सारे स्वेटर धो दूँगी, तो आज मतलब इतनी हवा तेज़ आ रही थी। और यहाँ पर मैंने आपको ये बता रही थी कि देखो मतलब दुष्काल में अधिक मास मतलब उतना ही डब्बे में सूजी निकला था, पूरी एक कटोरी भर के भी नहीं थी, तो बहुत ही कम सूजी था जिसका मैं उपमा बनाने वाली थी। तो ये मैं स्पेशली बना रही थी बाबूजी के लिए। तो मतलब अभी मेरे को ऐसा खाना बनाना पड़ रहा है ना, उनको डायबिटीज़ भी है, उनके दांतों में दर्द भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ और सासू माँ के साथ भी, कि मतलब ज़्यादा कुछ भी तेल वाला अगर पकौड़ी वो खा ली तो पक्का उनको उल्टी हो ही जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने मतलब ऑलमोस्ट मुझे जितना भूंजना था मैंने सब कुछ भूंज लिया, और अब मैंने इसमें ना सूजी डाल दी है, तो इसको भी मैं अच्छे से भूंज ही लूँगी। इसमें मतलब अच्छे से भूंज जाती है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से डाल, मैं ना मतलब भूलती हूँ ना, जैसा मूड होता है वैसा बनाती हूँ। तो कभी कभी पूरा सूजी भूंज लेती हूँ थोड़ा सा अलग, फिर उसको निकाल के फिर सारे मसाले भूंजती हूँ, लेकिन नहीं अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने सारे ना मसाले के साथ ही सूजी को भूंजा और बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट आया था। और यहाँ पे देखिए मेरा ना पानी खौल रहा है, तो हाँ मैं दूध भी हलवे में ऐसे ही डालती हूँ और पानी भी ऐसे ही डालूँगी। तो अब इसको डालेंगे हम सूजी में। तो मैं उपमा ऐसे ही बनाती हूँ, हो सकता है हर किसी का अपना अपना तरीका होगा, तो मेरा यही तरीका है। मतलब हाँ बहुत सारे लोग ना ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि सूजी पहले भूंज लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसे भी बना के देखिएगा। उसमें ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लफड़ा लगता है कि सूजी भूंजो फिर एक प्लेट में निकालो, फिर इसमें कि सब कुछ डाल के कंटिन्यू आप चलाते रहो। तो देखिए ये मेरा मतलब बन गया उपमा। तो आप उपमा बोलो या क्या, तो सासू माँ बोल रही थी क्या हुआ क्या है ये, मैं बोली उपमा, तो वो नहीं समझ रही थी। मैं बोली उपमा बोलो या नमकीन हलवा बोलो, कुछ भी बोल लो। मेरे बच्चे को ना चीकू भी मतलब काट के दिया था, तो खाना बनाते रहो प्लेटफॉर्म फैलता रहता है। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया था, तो ये मतलब बाजरे का आटा है, तो उसको मैंने हमेशा गर्म पानी से ही साना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने ऐसा बनाया, मैं मतलब बताया है, मैंने अपनी मम्मी को देखा है हमेशा गर्म पानी से ही सानते हुए। तो मेरी मम्मी ना मतलब चौकी पे थाप थाप के मैंने उसको देखा है, तो वो हाथ से भी बना लेती है, मतलब मैं मम्मी से ही सीखी हूँ। और यहाँ पे देखिए टीवी चल रहा है, तो अपना जैसे ही शाम होती है ना, तो मतलब बेड पे भी बावजूद उतना गेट खोलने ही नहीं देते हैं, कि वो मतलब रात में टीवी देखते हैं, बोलते हैं कि सारी लाइटें बंद कर दो, तो उनको अंधेरे में टीवी दिखता है, उजाले में नहीं दिखता है, लाइट चला दो ना तो बहुत चिल्लाते हैं।
बस अब मतलब अब उनको बिना टीवी देखना बहुत पसंद आने लगा है। माँ को तो फर्स्ट डे से ही पसंद आता था, वो बहुत ही आराम से टीवी देखती, लेकिन बाबूजी बहुत चिल्लाते थे, तो उनको भी पसंद आने लगा है। तो यहाँ पर ना जो है माँ वैष्णो देवी फिल्म चल रहा था, तो मैंने लगा दिया था और माँ बाबूजी दोनों देख रहे थे और जयदीप दूर बैठा था, क्योंकि वो दादा से बहुत ही डरता है, नहीं जाता है दादा पास। और ज्योति का अपना तो पढ़ने को बोला, तो पता नहीं किस ख्याल में खोई हुई थी, और इसके पापा मार्केट गए थे। तो अपना बाबूजी मतलब देखते हैं टीवी, और मैं ये रात का टाइम था और मैं ना यहाँ पर रोटला बना रही थी, और मेरा मतलब अंगूठा कटा हुआ था ना, तो मैं नई सब्जी काट रही थी, मतलब लौकी बनानी थी, तो मैंने ये बना लिया था। वो मार्केट गए थे, तो मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैं 8 बजे तक खाना दे भी देती हूँ ना, तो भी कहीं से भी फ़ोन आए, बाबूजी बोलते हैं कि 10 बजे खाना देती है, ये उनका डेली का रूटीन है, तो आप इस बात पे हंस लो। मतलब हाँ, पहले मेरे को आदत नहीं थी, मेरे को लगता है ऐसे क्यों बोलते हैं, लेकिन अब मुझे आदत हो गई, वैसे ही बोलते हैं। तो इसके पापा मार्केट गए थे, तब तक मैंने ना सारी ये गुजरात में इसको बोले ना तो बाजरा नो रोटलो, अगर हिंदी में बोले तो बाजरे की रोटी, तो बस ये बन ली थी। और ये ना ऐसे ही बनती है, आप चाहे जितनी पतली मतलब कर लो, ये मोटी हो ही जाएगी, और थोड़ा बहुत ना कभी कभी जल भी जाती है, और बहुत ही ये आसानी से नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए पापा इसके लेके आ गए थे मार्केट से, इसका मतलब बहुत चॉकलेट लाते हैं, और इसका जब के दाँत पे दिखता ही, मतलब एकदम से उसके दांत बहुत ज़्यादा ही बेकार है। सासू माँ बोल रही थी कि मेरे एक भी बच्चों के दांत ऐसे नहीं है, वो खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर लेते हैं कि उनको दूसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो मेरी सासू माँ खुद ही अपनी अपने आप की इतनी तारीफ करती कि उनके आगे मैं बिल्कुल भी फेल हूँ। और यहाँ पे देखिए जोतवा ना अपनी ये आर्ट वाला ये कंप्लीट कर रही थी, जो इसको स्कूल में करना था, तो वो मैडम जी का बाकी था। तो मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि मैं ना वीडियो फटाफट एडिट करके मतलब तुरंत डाल दूँगी, जब भी मैं शूटिंग करती हूँ तब यही सोचती हूँ, लेकिन फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कि मतलब मेरे रूम में अभी इतना चिलम चिली होता है ना कि मतलब हो ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स मतलब ससुर जी ने बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, बाजरे की रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहते, लेकिन अभी उनका डायबिटीज़ का लेवल ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ा था, तो उसको घटाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से उनको बस दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये ना भिंडी है, तो मतलब ये पूरी भिंडी इसी छोटी छोटी साइज़ की थी, इसलिए इसको ना बीच में से कट लग गया था। अगर बहुत लंबी वाली भिंडी हो तो इसको आप बीच में से मतलब एक भिंडी में से 4 कट कर सकते हैं। और यहाँ पर ना कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और अपना फ़ौरन डाल दिया, और इसमें ना मैं भिंडी तलने को डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स अपना वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, हो सकता है कि मैं जैसे भिंडी बनाती हूँ ना वैसे ये वाली भिंडी आप नहीं बनाते होंगे, क्योंकि मैंने जब भी मतलब अपने साथ किसी से भी बात की ना, तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये रेसिपी ना मेरी मम्मी की है, मतलब मैंने उन्हीं के साथ खाया था, और कहीं मतलब किसी के भी घर जाती हूँ ना तो हाँ मसाले वाली भिंडी खाई है, भरवा भिंडी, लेकिन मतलब मैं जिस स्टाइल में बनाती हूँ ना वो सिर्फ मतलब मैंने द्वारका में, और वो भी अपने ही रूम पे खाई है, और किसी के घर नहीं खाई है। तो आप मेरा व्लॉग ना पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप नहीं करेगा। और ये ना मतलब हमारे घर के दामाद जी की तो ये फेवरेट डिश है, यानी कि मेरे मम्मी के बड़े दामाद की। तो हाँ, मेरे पतिदेव को ना ये वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये ना लहसुन अदरक था, उसमें मैंने पानी डाल दिया क्योंकि मैं उसमें मतलब मसाला घोलूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी भिंडी ना बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी है, तो इसमें ना मतलब इतना सोना भूंजना है कि उसमें ना वो कचड़ कचड़ वाला कच्चापन ना रहे, इस वजह से हम पहले भूंज लेंगे और फिर ना इसको मतलब निकाल लेंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और मैंने यहाँ पे ना बेसन नहीं डाला था, अगर आप मतलब और ज़्यादा आपको स्वाद चाहिए ना तो आप ये भिंडी जो भूंज रहे थे ना उसमें मतलब जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से आप 1-2 चम्मच बेसन डाल दीजिए, या मतलब सत्तू का आटा डाल दीजिए, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ता है। तो ऐसा मैंने मम्मी को देखा है, और रस में भी थोड़ा सा ना थिकनेस आ जाएगा। और मैं ना यहाँ पे बस ये मसाला घोल लूँगी, तो ये इससे ना सांभर मसाला था, मैं लाई थी लेकिन एक बार भी मैंने सांभर बनाया नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही कि कोई चीज़ मतलब बनाती हूँ ना तो इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया था अपना हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, और ये सब कुछ ना मैंने कट पिट भी कर लिया था, तो टमाटर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था तो आधा छोड़ दिया कि ऐसे ही सलाद में चल जाएगा।
और सारे मसाले इसमें डाल के मतलब पानी से मतलब घोल लूँगी। और यहाँ पे उसके बाद में ना मैंने ये हरी मिर्ची डाली और प्याज डाला, क्योंकि फिर से मैंने जीरा राई वगैरह कुछ नहीं डाला था, क्योंकि मैंने ना पंचफोरन से उसको छोंक लिया था। और भिंडी में ना अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भिंडी से ना गैस बनती है, मतलब जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है ना वो भिंडी खाएगा तो उसको और गैस मतलब बनती है, तो अजवाइन डालने से ना ठीक रहता है, अजवाइन डालने से गैस नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने मसाले ना बहुत ही अच्छे से भून लूँगी। और ये मेरी पतिदेव की बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है, और वो अपने सासू माँ के हाथ से ना ये वाली सब्ज़ी खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो और मम्मी को भी ना बड़ा मज़ा आता है जो मैं बोल देती हूँ, इनको ये पसंद है ना, तो बहुत ही मतलब अच्छे से चाव से बना के खिलाती है। इतना कि मेरी माँ ना मुझे को भूल गई है, वो सिर्फ उसको ना अपना दामाद और हाँ जयदीप ज्योतिका से बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। तो मैं तो साइड ही हो गई हूँ, मेरी पसंद नापसंद मतलब कोई बिल्कुल कोई नहीं ख्याल रखता है, सिर्फ मतलब मेरे मायके में इन लोगों का ही बहुत चलता है। तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि आपके ससुराल में आपकी कितनी खातिरदारी होती है, लेकिन मेरे ससुराल में तो बाप रे बिल्कुल उल्टा है, कोई नहीं। तो यहाँ पे ना बस मसाले भुन गए थे अच्छे से, और मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया। तो मैं ना अभी मतलब ना भिंडी में नमक डाली थी और ना ही टमाटर में डालूँगी, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब डालने से टमाटर जल्दी गलेगा, लेकिन ऐसे भी मैंने ना थोड़ा सा हल्का तेज आँच कर दिया था कि और टमाटर मतलब फटाफट गल गए बहुत ही अच्छे से। तो सब कुछ ना थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ना इसको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बना जाए ना तो मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही लाजवाब होती है। तो इसमें ना लहसुन का भी मतलब भुनना ज़रूरी है बहुत ही अच्छा, क्योंकि मतलब कच्चापन ना आना चाहिए। तो इसको आप ना मतलब प्याज भूनते ना तब भी आप लहसुन भून सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे भूनती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि फिर अगर लहसुन जल गया तो भी अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा अच्छे से नहीं भूना कच्चा रह गया तो भी अच्छा नहीं लगता है, दोनों सूरत में ऐसे ही है। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से भून गया, अब मैं ना इस स्टेज पे पानी डालूँगी। और सब्जी भूनना तो मतलब मेरे नाना जी से ही ऐसा है कि मतलब ऐसा मतलब नानी के घर की खाना कोई भी बनाए, मम्मी मौसी मामी, लेकिन मैं मतलब थी बड़ी तो मेरे को ही बोलते थे जाओ परहेज के आओ। और अगर उनको सब्जी मतलब बोलते थे ना सोना बोलते थे मेरे नाना जी की सोना नहीं है, तो मुझे वो सारी बातें बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और याद भी बहुत ही आती है। तो मतलब भूंजना तो मेरा ये हर चीज़ में, क्योंकि मेरे पापा भी ना ऐसे ही हैं, थोड़ा सा भी अगर कच्चा बन रहे तो बोलते कि सब्जी तो सब्जी अच्छी ना होना, तो मेरे पापा तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरे नाना जी गुस्सा नहीं होते, बस वो थोड़ा सा एक दो शब्द ऐसे ही मतलब महसूस कर जाते हैं, लेकिन हाँ मेरे पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये आटा है मैंने चाल लिया है रोटला बनाने के लिए, और यहाँ पे देखिए मेरा पानी बहुत ही अच्छे से खोल रहा है, तो मतलब हाँ बहुत ही ज़्यादा खोल जाएगा। उस टाइम पे ना मैं ये भिंडी डाल दूँगी, अगर आपने भूंजने में नहीं डाली ना तो आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना उस टाइम पे बिल्कुल ही भूल गई थी, क्योंकि एनी टाइम मेरे मतलब इतना हड़बड़ हड़बड़ होता है ना। देखिए मैं सब कुछ डालूँगी ना तभी मतलब मैं नमक डालूँगी और गर्म मसाला भी, तो मैं जब बना रही थी ना तब मेरे माइंड से बिल्कुल बेसन निकल गया था। लेकिन अगर आपको ग्रेवी मतलब गाढ़ी रखनी है ना इसका रस, तो आप बेसन डाल सकते हैं, एक चम्मच भी डालेंगे ना तो भी बहुत ही हो जाएगा। तो भूंजने के टाइम में डालें ना तो मतलब ज़्यादा अच्छा है कि बेसन को मतलब कच्चा रहने का कोई डर ना हो, क्योंकि कच्चा बेसन तो नुकसान करता है फिर। और यहाँ पे ना मेरी सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, और यहाँ पे ना पतिदेव बना रहे थे आंवला और धनिया की चटनी, तो टमाटर भी डाल दिया था थोड़ा सा, और थोड़े से धनिया बचा लिए थे मैंने सब्जी में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी सब्जी मतलब कैसा लग रहा है, बहुत ही स्वाद इसका लगता है, आप बना के देखिएगा। अगर ज़्यादा नहीं बनाए तो अगर आपके पास चार या पांच भिंडी भी है ना तो भी इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो मतलब दो लोग आप आराम से खा सकते हैं, वैसे ये बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये सब्जी टेस्टी लगती है। मैं अपने फ्रेंड्स बस मैंने अपनी साड़ी को पानी में डाला था, तो ये साड़ी मैंने ना सूरत से ली थी, बॉम्बे मार्केट की ये साड़ी है, और मैंने ना इसको कविता की शादी में पहना था देव पूजे में, उसके बाद मैंने इसको सरस्वती पूजा में पहना, तो मैंने इसको चुपेट दिया था, फिर देखा फोल में ना मैंने इसको पानी में डाला और चटनी हमारी पीस चुकी है। तो यहाँ पे दही निकाल दिया था और मसाला डाल दिया था, क्योंकि मतलब बाबूजी को चाहिए और रोटला बनाने के लिए अपना तवा चढ़ा चुकी थी। और देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे मतलब मैं हाथ में ही बनाती हूँ, तो मैंने ना मतलब बेल के भी दिखाया हुआ है, तो थाप के मुझे मतलब नहीं अच्छा लगता है थाप के बनाना, तो मुझे बेल के मैं पहले बनाई कि मतलब पतला पतला हो, क्योंकि उनके दांतों में दर्द होता है, बाजरा थोड़ा सा ना मोटा होता है, तो आप कितना भी पतला बनाओगे वो मतलब पकेगा ना तो मोटा होगा ही। और यहाँ पे देखिए
इसका मैं आपको ना पतला कितना ये दिखा रही थी। और गुजरात में मतलब हमारे साइड में ये जाने वहाँ पे कहवत है कि मतलब जब शादी के टाइम पे अगर कोई पूछने आए ना क्या आता है ना, तो अगर जिस लड़की को मतलब बाजरे का रोटी बनाने आता है ना तो उसको और कुछ नहीं सवाल पूछना चाहिए, मतलब ऐसा है। तो हर किसी से ये नहीं बन पाती है, इस वजह से मतलब ये कहवत फेमस है। और मतलब साईंराम दवे भी बोलते हैं कि जिस बेटी को बाजरे का मतलब रोटी बनाने आता है उसको और दूसरा कुछ नहीं पूछना चाहिए। तो थोड़ा सा ना मतलब इसमें टिप्स होता है, थोड़ी सी ट्रिक लगाओ तो हो जाता है ना, क्योंकि कोई भी काम मतलब शुरू में आसान नहीं होता है जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करो। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप कैसे बना लेते हो, तो बन जाता है। मतलब मैं तो शादी से पहले से ही इसको बनाती हूँ, तब अच्छा नहीं बनता था, लेकिन हाँ अब अच्छा बन जाता है। तो बोलते हैं ना कि करत करत विद्याभ्यास जन्मति भय सुजान, बस वही बातें। तो मैं इसको ना बनाते गई तो बस अब प्रैक्टिस हो गई है। तो कोई भी काम स्टार्ट करो ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मतलब ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो मुझे सपोर्ट करिएगा। और देखिए मैं कितना पतला बना रही हूँ ना, मैं बस आपको यही दिखा रही थी इसमें। तो ना गेहूं की रोटी से ज़्यादा मेहनत इसमें लगता है, लेकिन हमारे ससुर जी इसको खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। मतलब इसको ना एकदम से जैसे कम आंकते हैं कि सस्ता है इस वजह से खिला रहा है ये वो, बहुत कुछ बोलते रहते हैं वो। लेकिन गेहूं में भी तो बहुत शुगर होता है और दिन भर मतलब रोटियाँ खाना तो वो भी ये हो जाता है। तो सोचा चलो कोई नहीं, अभी उनका शुगर डाउन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो इस वजह से मतलब ये छाछ में, दही में या दूध में फुला के ऐसे ही खाते हैं, वो सब्ज़ी के साथ तो नहीं खाते हैं। उनको मतलब दांतों में दर्द है और उनकी ना उम्र भी उतनी है, वो मतलब 90+ है, तो दांतों में दर्द वगैरह। तो डायबिटीज़ कम हो तो उनका और कोई किसी चीज़ का यहाँ पे ना, मैंने बस अपनी साड़ी को इस पानी से निकाल के ना बाल्टी में डाला था। तो देखिए इसमें कितना कलर निकल रहा है, मैं आपको यही दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स चलिए आज का इस ब्लॉग का मैं ना यही एंड कर देती हूँ। अगर पसंद आए तो सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़। जय द्वारकाधीश फ्रेंड्स।